दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां पर सरकार ने अतिरिक्त पानी की मांग की है। हिमाचल, हरियाणा, यूपी से पानी की मांग की गई है। दिल्ली में पानी के संकट पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार की याचिका पर यह सुनवाई होने वाली है। हालांकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि दिल्ली में जल संकट किस तरीके से गहराता हुआ नजर आया। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में पानी यूपी हो, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा हो, वहां पर पहुंचता है। देखिए, पानी को लेकर के सियासत कैसे होती है, जहां पर एक तरफ बाढ़ के जब हालात बनते हैं तब भी दोषारोपण किया जाता है कि ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, इसी वजह से दिल्ली में परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ जब गर्मी का माहौल होता है तो भी कहा जाता है कि दरअसल जो ये राज्य हैं वही पानी नहीं दे रहे। अब इसी को लेकर के जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई होगी। इससे पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि केंद्र बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाले, कोई हल निकाले, लेकिन अब मांग की जा रही है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिया जाए। लेकिन अब इसको लेकर के क्या फैसला होता है, क्योंकि जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ भी पानी की कमी है, और अगर सारा पानी दिल्ली को चला जाएगा तो हमारे यहाँ की जनता क्या करेगी, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और कई जगहों पर हमने देखा कि हालात किस तरीके से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब दिल्ली सरकार ने जो याचिका दायर की है उस पर सुनवाई होने वाली है। पूजा, देखिए, जाहिर तौर पर उस पर सुनवाई होने वाली है, और आपने दिल्ली की कई ऐसी तस्वीरें देखी जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। लोग किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं, टैंकर के जरिए वाटर सप्लाई की जा रही है। और इस बीच अब इन्हीं हालातों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि इस पर सियासत भी हावी होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में जल संकट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली की आप सरकार की ओर से याचिका लगाई गई है, और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के निर्देश की मांग की गई है। 31 मई को दायर की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को सुनवाई की थी। जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन की वैकेशन बेंच ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की थी। 5 जून को इमरजेंसी बैठक बुलाने के निर्देश दिए थे। बैठक में यमुना रिवर बोर्ड, अलग अलग राज्य और केंद्र के जो अधिकारी हैं उनको समस्या के समाधान पर चर्चा करने के लिए निर्देश दिए थे। बैठक में राज्य और केंद्र द्वारा बताए गए सुझावों को ही आज कोर्ट में रखा जाएगा। पिछली सुनवाई में अगर मुख्य दलीलों की बात करते हैं, देखिए, पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि दिल्ली में पानी की बर्बादी लगातार हो रही है, यह टैंकर माफिया भी हैं, कई जगहों पर पानी लीक भी होता है, इसे सुधारने पर भी फोकस होना चाहिए। इस पर दिल्ली सरकार का पक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा और कहा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड एक साल से संकट को लेकर कोई समाधान नहीं निकाल रहा। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कोर्ट को बताया कि यमुना रिवर बोर्ड सभी राज्यों के संपर्क में है। सिंघवी ने कहा कि भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर चल रहा है, जल्द ही एक्शन नहीं लिया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। इसके बाद बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई आज 6 तारीख को यानी कि आज होगी। और दिल्ली में जल संकट हुआ क्यों, ये देखिए, दिल्ली में जल संकट के दो कारण हैं, एक तो गर्मी और दूसरा है पड़ोसी राज्य पर पानी की निर्भरता है। दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत तो है नहीं, ऐसे में पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहता है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस साल दिल्ली की जरूरत लगातार हर दिन के हिसाब से 32.1 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की कमी से जूझ रही है, और कमी लगातार हो रही है। दिल्ली की जल बोर्ड के मुताबिक राज्यों को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन गर्मियों में केवल 96.9 करोड़ गैलन पानी ही प्रतिदिन जो उसकी मांग है पूरी हो पा रही है। यानी दिल्ली की जो 2.3 करोड़ आबादी है उसको हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए, लेकिन उसको फिलहाल मिल रहा है 96.9 गैलन पानी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, और अब समस्या के समाधान की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शायद दिल्ली वासियों को पानी मिल पाए। क्योंकि इसके पहले भी जब सुनवाई हुई थी और सुनवाई में ये कहा गया था कि आप आपस में बैठिए, इस पर आपात बैठक बुलाइए, चर्चा करिए, कोई सॉल्यूशन इसमें निकालने की कोशिश करिए, और इसके बाद ये आज की डेट दे दी गई थी अगली सुनवाई की। अगर इसमें हम बात करें पिछली सुनवाई की मुख्य दलीलें क्या कुछ रही, इस पर दिल्ली सरकार का क्योंकि पक्ष रख रहे थे वकील अभिषेक मनु, उन्होंने कहा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड एक साल से संकट को लेकर कोई समाधान नहीं निकाल रहा है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कोर्ट को बताया कि यमुना रिवर बोर्ड सभी राज्यों के संपर्क में है। सिंघवी ने कहा कि भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर चल रहा है, जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। और इसके बाद बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई 6 जून यानी कि आज करेंगे, अब आज इस मामले में सुनवाई होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में जल संकट आखिर क्यों हुआ, क्योंकि दो इसके बड़े कारण हैं, पहला तो गर्मी और दूसरा है पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता। ये दोनों ही बड़े कारण हैं, क्योंकि अपना कोई जल स्रोत दिल्ली के पास नहीं है। इस पूरे मामले में आज सुनवाई होने वाली है। जेल जाने के पहले अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वक्त राजनीति करने की बजाय मिलकर दिल्ली के लोगों को राहत दिलवाएं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि पानी की डिमांड बहुत बढ़ गई और ऐसे में सबसे पहले जरूरी है कि दिल्ली वासियों को पानी की कमी दूर की जाए।